नमस्कार, योगा इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक खिलाड़ी का हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहे और अपनी डाइट और एक्सरसाइज को पूरी तरह से अपनी रूटीन लाइफ में करता रहे। अगर खिलाड़ी स्पोर्ट्स में खेलने के लिए ज़्यादा समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है तो उसकी बॉडी और माइंड दोनों का फिट होना बहुत जरूरी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में योग के कुछ ऐसे अभ्यास हम करेंगे जिनको करके एक खिलाड़ी पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली अपने आप को हेल्दी रख सकता है और लंबे समय तक अपने गेम में बना रह सकता है। आज हम जो अभ्यास करेंगे वो है पाद हस्तासन का अभ्यास। इस आसन का अभ्यास मुख्यतः पैरों से खेले जाने वाले खेलों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे फुटबॉल, कबड्डी, जेवलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी इत्यादि इत्यादि। आइए चलते हैं, करते हैं योगा अभ्यास, पादहस्तासन का अभ्यास और जानते हैं इससे हम किस तरह से हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। इसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे ताड़ासन की स्थिति में, दोनों पैर लगभग मिले हुए, थोड़ा सा उनमें अंतराल, दोनों हाथ आपके दाएं बाएं तरफ। अब यहाँ से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियाँ ऊपर घुमाएंगे, गहरा श्वास लेते हुए अब शरीर को ऊपर स्ट्रेच करेंगे पूरा। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए अपने टेल बोन से बिल्कुल कॉसिक से यहाँ से बेंड करेंगे बॉडी को नीचे धीरे 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 धीरे, और नीचे की तरफ जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना जाएंगे। अगर आप इतना जा सकते हो तो इतना जाएं, इतना हाथ लगा सकते हैं इतना, और पूरी स्थिति में जाने के लिए आप अपना फोरहेड आपके घुटनों पर इस तरह से लगा सकते हैं। और फिर यहाँ से धीरे धीरे वापस बिना कोई तनाव के जल्दबाजी के वापस आएंगे सांस लेते हुए और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। जब भी हम ये आसन करते हैं तो ब्रीदिंग का ध्यान रखें, ब्रीदिंग डीप रहे, और कोई भी आसन उसका अगर हम ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका ऑल्टरनेट आसन करने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और पादहस्तासन का ऑल्टरनेट आसन होता है अर्धचक्रासन। इसके लिए आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला, आप हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रख लेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को, पैरों को थोड़ा खोल के रखेंगे, हाथों को श्वास लेते ऊपर लेके जाएंगे और आधा शरीर को पीछे झुकाएंगे इस तरह से। और फिर वापस आ जाएंगे हाथ नीचे। और दूसरा ये कि आप अपनी दोनों हाथों को पीठ के पीछे की तरफ रखेंगे, सपोर्ट देकर रखेंगे, फिंगर पॉइंटेड फॉरवर्ड, और अंगूठा आपके बैक को सपोर्ट देता हुआ, और यहां से धीरे धीरे अब एक लंबा श्वास लेते हुए और एक्सहेल करते हुए पीछे बेंड होंगे, घुटने सीधे रहें, इसमें आपके पैर पूरे पिलर की तरह, और थोड़ी देर रुकेंगे लगभग 10-15 सेकंड के लिए और फिर वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे। यह था हमारा आसनों का अभ्यास जिसके माध्यम से हम हमारी बैक को और लेग्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा यह होता है कि इससे हमारी बैक स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी थाइज मसल्स, काप मसल्स, हैमस्ट्रिंग और नीज को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे टेंडन लिगामेंट्स काफ़ी मजबूत होते हैं। तो अगर इस अभ्यास को आप करते रहेंगे तो आप रहेंगे हेल्थी और आप लंबे समय तक खेल के अंदर बने रहेंगे। खिलाड़ियों के लिए हमारा योगा हेल्थ टिप है चीकू। चीकू एक ऐसा फल है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, विटामिन ए, ई और सी बहुत ज़्यादा इसमें होती है, और डाइजेशन हेल्दी रखता है। खिलाड़ी जब भी खेल में खेलने के लिए उतरता है उससे पहले अगर एक चीकू खाता है तो उसको काफ़ी एनर्जी मिलती है, काफ़ी उसको फाइबर मिलता है और वो काफ़ी एनर्जी के साथ गेम में अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस फल को खाएँ और हेल्दी रहें। नमस्ते।